हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैड बॉयज़ के 4 पार्ट को लेके, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को एंड तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना गाइस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ, जैसा कि सभी फैंस जानते हैं, अब ये मूवी रिलीज़ होने को तैयार है हमारे इंडिया में। वर्ल्ड वाइड इसको 31 जनवरी को रिलीज कर दिया जाएगा। इंग्लिश के साथ साथ ये मूवी हिंदी में भी रिलीज़ होगी। इस मूवी में मार्टिन लॉरेंस, विल स्मिथ एक बार फिर से हमें देखने को मिलने वाले हैं। पहले बात करते हैं मूवी के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि रिलीज़ हुआ था 1995 में। मूवी को डायरेक्ट किया था माइकल बे ने। मूवी की कास्ट में विल स्मिथ, मार्टिन लॉरेंस दोनों ही हमें नजर आए, और वो दोनों ही दो कॉप के रोल में नजर आए थे। मूवी की कहानी कुछ इस तरह की थी, दो कॉप हैं, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं और दोनों के बीच भी टकरार होती रहती है। फिर एक मुश्किल मिशन उनके सामने आता है जिसकी वजह से उन दोनों को एक दूसरे का नाम लेना पड़ता है और अपनी आईडीज भी चेंज करनी पड़ती है, और कैसे वो मिशन को सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर फर्स्ट पार्ट था। मूवी का सेकेंड पार्ट भी आया जिसको आने में काफ़ी टाइम लग गया, 6-7 साल। 7 साल के लंबे गैप के बाद इसका सेकेंड पार्ट को रिलीज़ किया गया, जो कि 9 जुलाई 2003 में रिलीज़ हुआ। उसको भी माइकल बे ने ही डायरेक्ट किया था। एक बार फिर विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस नजर आए हमें सेकेंड पार्ट में भी, जो कि अपने ही रोलों में नजर आए थे, और ये मूवी का सेकंड पार्ट भी सुपर डुपर हिट साबित हुआ। सेकंड पार्ट के बाद इसकी कोई भी पार्ट की कोई भी अपडेट नहीं आई, और ना ही कोई भी पार्ट इसका निकाला गया। इसके थर्ड पार्ट अब कितने सालों बाद जाकर रिलीज़ किया जा रहा है बैड बॉयज़ फॉर लाइफ के नाम से, जो कि 31 जनवरी को रिलीज़ होने वाला है, जिसमें हमें विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस एक बार फिर से अपने कैरेक्टर्स में नजर आने वाले हैं। इस बार मूवी को माइकल बे डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ, इस मूवी को बेशक 31 जनवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर इस मूवी को पहले रिलीज़ कर दिया गया है। मूवी को क्रिटिक्स ने देख लिया है और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिएक्शंस मूवी को लेकर सामने आ रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स के मुकाबले ये थर्ड पार्ट ज़्यादा बेस्ट है। थर्ड पार्ट में इमोशंस और स्टोरी लाइन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, और इसी के चलते थर्ड पार्ट को काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है क्रिटिक्स की तरफ से। फिल्म के राइटर क्रिस और पीटर दोनों ने ही कंफर्म किया है कि वो इसके फोर्थ पार्ट को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड है और उसके ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। उन दोनों ने ही कंफर्म किया है कि उन्होंने कहानी पर काम शुरू कर दिया है। वैसे तो मूवी का थर्ड पार्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, 31 जनवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगा, बट अभी से ही प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि मूवी अच्छा खासा ही बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस पर, और ब्लॉकबस्टर भी साबित हो जाएगी इजीली। तो क्रिस और पीटर दोनों ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इसके फोर्थ पार्ट को भी ज़रूर बनाएंगे। अब देखना यह है हमें कितने पार्ट देखने को मिलेंगे, बट एक बात ये भी है कि इसका फोर्थ पार्ट में पहले की तरह ही देरी ना हो जाए, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट काफ़ी सालों बाद आया है। अब देखना यह है बैड बॉयज़ की फोर्थ पार्ट के लिए फैंस को कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप बैड बॉयज़ फॉर लाइफ के लिए कितना एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया, अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के संग। जय हिंद, वंदे मातरम।